वंदी आप ये टाया जो कुर्ते ना है तो ये मेरा भाई था मामा का। अच्छा मामा का लड़का भाई था। भाई अच्छा अच्छा तो उनका भी धन्यवाद जो इनके मामा के बेटे एक भाई थे वो उनको एक दिन पहले लेके यहाँ पर आए थे, तब मैंने इनको सारा सब कुछ बता दिया था कि आपकी पेंशन वगैरह मिलनी चालू हो जाएगी लेकिन उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है वो बनाने होंगे। तो सारे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल वी एम टेक इनको में। तो दोस्तों आज हमारे साथ है मंगला राम जी जो कि एक दिव्यांग व्यक्ति हैं और समाज के अंदर कई ऐसे दिव्यांग भाई भी होते हैं जो कि कई योजनाओं के असली हकदार होते हैं लेकिन उनको है जो कि उनका हक नहीं मिलता है, उनकी कोई मदद नहीं करता है। तो मंगलाराम जी मेरे पास कुछ दिन पहले यहाँ पर आए थे तो तब मैंने इन्होंने पूछा कि आपकी पेंशन वगैरह आती है कि नहीं आती, तो उन्होंने कहा भाई मेरी कोई पेंशन नहीं है और ये पूरी तरह से दिव्यांग है आप देख सकते हैं बचपन से। मंगलाराम जी कदे हुए थे तर विकलांगता, कदे हुआ अभी 8 साल का था, अब 8 साल के थे तब ये मतलब दिव्यांग हो चुके हैं तो इनके दोनों जो पैर है वो काम नहीं करते, हाथों के बल से ये चलते हैं। तो इनके कुल परिवार में कौन कौन है कौन नहीं है वो मतलब इनके शादीशुदा ये नहीं है, बिल्कुल अकेले ही रहते हैं, भाई वगैरह है तो उनके बारे में हमको ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। तो मंगला रहे अभी पेंशन वगैरह कुछ मिलते थे कि नहीं पहले? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो कैसे गुजारा होता था, खाना पीना कहाँ से? लोगों की मजदूरी करना, गुजरा वरना। अच्छा छोटा मोटा काम खुद का कर लेते थे, बैठे काम। तो आपकी मतलब उम्र भी अभी 61 साल आधार कार्ड के हिसाब से आपकी 61 साल है, तो आप बिना दिव्यांग होने अगर आप दिव्यांग नहीं होते तो भी आपको पेंशन मिलनी चाहिए। तो आपकी किसी ने मदद की नहीं? कुछ भी नहीं कही। हाँ तो इनकी मतलब देखिए आप, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि 30-30 वर्ष की जिनकी उम्र है 40 साल की उम्र है वो दौड़ भाग के कैसे करके उनके फर्जी डॉक्यूमेंट बना के पेंशन लेते हैं लेकिन समाज के अंदर ऐसे जो असली हकदार है जो योजनाओं के उनको कोई उनकी मदद नहीं करता है। तो मैंने आज मंगलाराम जी के लिए सारा इंतजाम कर लिया है, इनका जो बैंक का खाता नहीं था तो अभी हमने इनका बैंक अकाउंट ओपन कर लिया है, साथ ही इनके पास जन आधार कार्ड नहीं था तो हमने अभी जन आधार कार्ड है वो भी इनका बना लिया है और उसके बाद है जो कि इनका दिव्यांग का जो सर्टिफिकेट होता है विकलांग का प्रमाण पत्र वो भी नहीं था तो उनके लिए भी अभी हमने अप्लाई कर लिया, ये देख सकते हैं आप रसीद। तो अब जो मंगलाराम है इनको इनकी जो पेंशन वृद्ध अवस्था की पेंशन है वो भी मिलेगी, साथ ही इनको दिव्यांग का जो भी पेंशन मिलती है वो ज़रूर मिलेंगी। तो दोस्तों ऐसे कोई लोग होते हैं तो उनके लिए आपको बिल्कुल आगे आना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए और जो असली हकदार है इनको पेंशन मिले, कौन कमाने वाला है, इनको कहाँ जाके मजदूरी करेंगे, बिल्कुल दिव्यांग आदमी है, अभी इनकी उम्र भी आप देख सकते 60 साल से ऊपर हो चुकी है फिर भी लेकिन इनका इतना जज्बा है कि वो खुद कहते हैं मैं कहीं मजदूरी कर लेता हूँ और अपना गुजारा चला लेता हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस तरीके के कोई समाज के अंदर लोग हैं उनकी बिल्कुल मदद कीजिए, यही हमारी सच्ची कमाई है और यही काम हमें करना चाहिए। तो मंगलाराम जी के लिए हमने सब कुछ कर लिया है। मंगलाराम जी जी अब आपका मैंने जो पेंशन वगैरह सब चालू हो जाएगी, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है सर। बात और पूछो, वीडियो है यूट्यूब चैनल में चढ़ाओ तो उनको प्रॉब्लम नहीं है? जी ना, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लोग भले देखे। हाँ भले देखे। ओके सर।